यदि पूरी पार्टी कांग्रेस की गद्दार थी तो वो इतने समय से कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों काम कर रहे थे? जनता ने उनके ऊपर पूरा विश्वास जमाया हुआ है, तो इसलिए मतलब प्रेमचंद गुड्डू को जनता चाह रही है। थैंक यू। आपको एक जिम्मेदारी दी गई है और सावेर विधानसभा में हैं आप, किस तरह से देखते हैं चुनाव, आपके नज़रिए से क्या है? मेरे नज़र से चुनाव वास्तविक रूप से भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता का चुनाव है, और क्षेत्र में जहाँ भी जा रहे हैं वो ऐसा लगता है कि प्रदेश की जनता जो है पुनः कमलनाथ जी की सरकार के बनाने के लिए संकल्पित होकर दृष्टिकोण बना चुकी है। साधुवाद का प्रश्न नहीं है। जिस पार्टी की मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार बनी, ऐसी सरकार को गिराने के बाद यदि आप किसी भी प्रकार का नारा देते हैं तो स्पष्ट नज़र आता है कि आप केवल सत्ता की महत्वाकांक्षा के लिए, इस प्रकार से सरकार के अंदर काबिज होने के लिए लोकतांत्रिक के खिलाफ जाकर मध्य प्रदेश में जनता चूंकि जनादेश के माध्यम से आपको हटा चुकी थी, ऐसी स्थिति में आपको मध्य प्रदेश में 5 साल तक सरकार चलने देना थी। यही मध्य प्रदेश की जनता भी चाहती है और यही सावेर क्षेत्र की जनता भी जानती है। लेकिन अभी एक बयान ताज़ा हालिया बयान आया है कि जिसमें राजवर्धन जी ने बताया था कि गद्दार वाले जैसा बयान था, तो उनका पलटवार किया है कि पूरी कांग्रेस ही गद्दार है। अगर किसी एक व्यक्ति की बात करें आप, उसे कैसे देखें? यदि पूरी पार्टी कांग्रेस ही गद्दार थी तो वो इतने समय से कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों काम कर रहे थे? आखिर मध्य प्रदेश के अंदर आप कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप विधायक बन जाते हैं, मंत्री तक चले जाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गद्दार है। और यदि आपको ऐसा लगता था तो आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े ही क्यों थे? आपकी जो महत्वाकांक्षा थी वो केवल सत्ता की महत्वाकांक्षा थी, और आपने केवल अपने कुल देवता ज्योतिराज सिंधिया के कहने पर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ चुके थे कि मध्य प्रदेश में चूंकि वो लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बिना केंद्रीय मंत्री नहीं बन सकते। जो बयान कमलनाथ जी ने इमरती देवी के संबंध में दिया था, उससे स्पष्ट ऐसा लगता है कि उस बयान का जो एंगल था, जो बताने का जो माध्यम था, वो अपमानजनक करने का नहीं था। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित करी करी भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को पूरा राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास किया, तब जाके उस संबंध में स्पष्टीकरण करना पड़ा कि यदि आपको इस शब्द से कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से ये शब्द जो है खंडन योग्य है, और वही पार्टी ने विचारधारा है, और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व स्वयं एक महिला है। ऐसी स्थिति में हमने उस बयान का खंडन किया और हम उस पर अड़ी गए, और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता महिलाओं की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। अंतिम सवाल, कितनी सीटें जीत कर आ रहे हैं आप प्रदेश भर में? मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं है। अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव होता तो मैं निश्चित रूप से कोई सीटों का आंकड़ा देता। आज प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार खड़ा है वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेताओं के साथ चुनाव लड़ रहा है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल झंडा उठाने का काम कर रहा है, और जो परिणाम आएगा वो जनता के माध्यम से आएगा। अगर प्रदेश के अंदर 28 सीटों में से 28 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जनता की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी, देश के संवैधानिक मूल्यों की जीत होगी। तुलसी सिलावट जी ने जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर छोड़ा है, क्योंकि वो उनकी राजनीतिक विचारधारा, उनका आधार और उनका जो सोच है वो केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया से शुरू होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पे खत्म होता है। रहा प्रेमचंद जी गुड्डू का सवाल, प्रेमचंद जी गुड्डू लगातार वर्षों से कांग्रेस पार्टी के राजनेता के रूप में मध्य प्रदेश में रहे हैं। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे उज्जैन संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद हो, चाहे आलोट सांवेर से विधायक हो, कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के बीच में बाधा बने हुए थे, उसी का परिणाम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की टकराव के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। उनकी विचारधारा कांग्रेस की थी, वो विचारधारा के साथ खड़े हैं। जिस तरह से अभी आप जो कार्य कर रहे हैं, जैसे आप खुद जाकर लोगों तक पर्ची अपने चीज़ें बांट रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है जनता किस तरह से आपको समर्थन कर रही है? जी, जनता का सपोर्ट तो अच्छा आ रहा है, जहाँ भी जाओ अच्छा बोल रहे हैं, बोले ठीक है भैया हम आपको ही वोट देंगे। जैसे कि सब जनता जान चुकी है कि जाग चुकी है कि हम कोई नया चेहरा चाहिए किसी को, तो सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। जनता का विश्वास किस तरह से खत्म हुआ? उनका तो अच्छा खासा गुस्सा फूट रहा है, देखा जाए तो उनको जनता पसंद नहीं कर रही है। अभी आज की तारीख में उनको पसंद नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया जनता को। इसलिए कोई भी चाह रहा है कि अच्छा कोई नया चेहरा आए सामने, जिसके उसके अनुरूप हम खड़े हुए हैं, तो जनता का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें। अगर मैं बात करूँ यहाँ सावेर की जनता की, तो आप जनता के जब बीच जाते हैं, जो दल बदल जो सारी चीज़ें हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता का के अंदर कितना रोष नज़र आ रहा है इस चीज़ को लेकर? इस चीज़ को लेकर जनता के अंदर बहुत रोष है। जिस तरह से 15 महीने के अंदर कांग्रेस की जो सरकार थी कमलनाथ जी का, आपने काफ़ी अच्छे काम किए थे। हम बीच में जाते हैं जनता को, वो बोलते हैं कि जो गौशालाओं का जो निर्माण माननीय कमलनाथ जी ने किया था, वृद्धा पेंशन जो 300 से बढ़ा के 600 की गई, तो जिस तरह से जनता ये चाहती है कि कमलनाथ जी की सरकार को गिराया है, ये जनता को बहुत
दुबला पहुँचता है। गुड्डू जी की जिस तरह से वो मतलब लोग उन्हें समर्थन कर रहे हैं, लोग उन्हें प्यार दे रहे हैं, लेकिन आप अपने माध्यम से जनता को क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में, आपके क्या विचार उनको लेकर? प्रेमचंद जी गुड्डू एक बहुत अच्छे नेता है, आप आलोट से भी विधायक रहे, संसदीय क्षेत्र उज्जैन से भी आप सांसद रहे और सामेट से भी रहे, आपका कार्यशैली काफ़ी अच्छा है और लोगों को सिर्फ प्रेमचंद जी गुड्डू पर काफ़ी विश्वास है और वो बहुत अच्छी तरह से प्रेमचंद जी गुड्डू के साथ। अगर मैं बात करूँ बिकाऊ नहीं टिकाऊ जो नारा है आपका, जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो इसका कितना असर जनता के बीच नज़र आ रहा है, कितना जनता इसे देख रही, किस तरह से देख रही है? जहाँ जहाँ जो विधायक बिके हैं ज्योतिराज सिंधिया के समर्थन में, जो 22 विधायक गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उन सभी विधायकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है बिकाऊ की। जनता उन्हें बिकाऊ करार दे रही है और जनता अब उन्हें पसंद भी नहीं कर रही है। जनता का सिर्फ यही कहना है कि इन लोगों ने हमारे वोटों से, हमने इनको चुने थे और हमारे चुनने के बाद ये विधायक बने थे, लेकिन इन्होंने हमारे वोट का सौदा कर दिया है और अब हम इनको करारा जवाब देंगे। ये बात सांवेर क्षेत्र की जनता कहती हुई सड़क पर नज़र आ रही है। विकास की बात करें कि सांवेर का विकास, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितना यहाँ पर विकास हुआ है? यहाँ पे प्रेमचंद जी गुड्डू ने पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं, पूर्व में इन्होंने बहुत सारा विकास करवाया। यहाँ पे हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं तो जनता से हमें बता रही जनता हमको, यहाँ पे टंकी सो लेकर मतलब सड़कें, पानी की व्यवस्था जो भी है, स्कूल, सब जनता बता रही है हमको। तो यहाँ पे प्रेमचंद गुड्डू जी ने पूर्व में बहुत विकास करवाया यहाँ पे जी। तो आप अगर जनता चुनती है प्रेमचंद गुड्डू जी को, तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों चुने, ऐसा क्या है जो वो कार्य करेंगे जिससे जनता उन्हें चुने? जनता ने उनके ऊपर पूरा विश्वास जमाया हुआ है, इसलिए मतलब प्रेमचंद गुड्डू को जनता चाह रही है। थैंक यू। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।